हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो मई और जून 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंदर पार्ट 9 है। इससे पहले हमने पार्ट 8 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर कर लिया था। आज उसके 2-3 आर्टिकल्स हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उस पोर्शन को आज कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आप जो है जो शुरू के 8 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसके अंदर थे और उसका एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हमने देखा है। और आगे ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है ये आपके आरएस वाला एग्ज़ाम प्लस आपके अभी जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जैसे कि आपका सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। प्लस मैं आपको ये और बता देती हूँ कि यूपीएससी के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन अभी जो हम पढ़ेंगे वो यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपका जो आरएस का मेंस का सिलेबस है उसके अंदर तो आपको पूरा पेपर ही पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट न्यूज़ इसके अंदर आप जो है थोड़ा ध्यान से फोकस करके पढ़िएगा। तो शुरू करने से पहले मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि आप इस मैगज़ीन को जो है फिज़िकल फॉर्म में ख़रीद लीजिएगा। अगर आपके पास में नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस मैगज़ीन का और अन्य जितनी भी मैगज़ीन है 2019 से हम मैगज़ीन पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उन सभी के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप सर्च करेंगे ऊपर तो आपको सारी मैगज़ीन्स अवेलेबल हो जाएंगी। आरपीएससी से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं जिनका पीडीएफ ज़रूरी होता है तो वो मैंने आपको वहाँ पर अवेलेबल करा रखा है। मेरे द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं जो दैनिक जागरण और जनसत्ता जैसे अखबारों में प्रकाशित होते हैं वो आपके मेंस और ऐसे राइटिंग के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी आरपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो भी हम वहाँ पर जो है अपडेट करते रहते हैं। तो आप जो है उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपके काफ़ी जो है काम का चैनल है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, कॉन्गो ने इबोला वायरस का प्रकोप समाप्त होने की जो है वो घोषणा की। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इबोला वायरस जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले कि इबोला वायरस जो है यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन था आई थिंक ये, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि भाई इसका जो एक्सटेंशन है यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है फैला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आ चुका है इबोला के ऊपर। तो उसमें आंसर उसका ऑप्शन था, एक तो था सियेरा लियोन, इसमें ये पेन थोड़ा सा, सियेरा लियोन और उसके अलावा गिनिया और डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये तीनों देश अफ्रीका के हैं, यहाँ पर इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रकोप हुआ है। इबोला एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि जूनोटिक का क्या मतलब होता है। तो जूनोटिक का मतलब ये होता है जो जानवरों से मनुष्य में आता है उस रोग को जूनोटिक बीमारी जो है वो कहा जाता है। अब देखिए ये जो बीमारी है ये फ्रूट बैट जो होता है फल चमगादड़ उससे फैलती है। ठीक है, और इसके जो संक्रमित जो पशु है जो वाहक हैं इसके कैरियर हैं वो हैं आपके चिंपैंजी, गुरिल्ला, बंदर और वन मृग आदि। ठीक है, इसकी खोज जो है इस वायरस की खोज 1976 में इबोला नदी जो कि अभी डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है वहाँ पर हुई थी, इसीलिए इसको जो है इबोला वायरस का नाम दिया गया है। और इसमें देखिए जो मृत्यु दर है डेथ रेट जो है वो 90% है, यानी कि किसी को हो जाता है तो 90% चांसेस है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये जो है ह्यूमन टू ह्यूमन इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ गति से फैलता है, जैसे कोरोना का फैल रहा है उसी तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन इसका बहुत तेज़ गति से है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए जो है अभी मर्क नामक इबोला वायरस वैक्सीन का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखिए लुथियानिया के ऊपर है। लुथियानिया ने जो है 17+1 का जो सहयोग मंच है उसको भी जो है छोड़ दिया है। ये 17+1 का जो सहयोग मंच है इसके अंदर 17 तो यूरोपीय देश है जिसमें बाल्टिक कंट्रीज़ भी यानी कि जो बाल्टिक सागर के नज़दीक जो देश है उनको बाल्टिक देश कहते हैं, प्लस एक इसमें चाइना है। तो ये जो है आपस में सहयोग के लिए बना था। मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुश्किल ही है कि कहीं पर पूछ लिया जाए क्योंकि इसमें भारत कोई सदस्य इसका है नहीं। तो देखिए ये जो है चाइना प्लस मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों का एक संग्रह था संगठन है और इसकी जो पहल है वो चीन के नेतृत्व का एक प्रारूप है और इसकी स्थापना 2012 में जो है वो की गई थी। और इसका जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि व्यापारी मेन लक्ष्य था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ में। ठीक है, तो ये जो है इसमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखने वाला, देशों को याद रखने की आपको कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर हम चलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो आपका है वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य यानी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। अब देखिए ये है ना जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया, बस इतना ही जान ले तो बहुत है, क्योंकि उसके बाद में तो इसमें डिटेल है कि कितने वाहन बढ़े, कितना पंजीकरण बढ़ा, रजिस्ट्रेशन बढ़ा, कितने लोगों ने कौन सी गाड़ी खरीदी, कितने ने कौन सी खरीदी, ये इतना विशेष जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये जारी किया गया, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये मैंने कई बार बताया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए हमें। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बाराखा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है अब आपका एक दायित्व बनता है, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मैप में जाइएगा और यूएई को लोकेट करिएगा संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पर है। तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पर इसका जो है ये परमाणु संयंत्र बना है, जिसका नाम है बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला ऊर्जा संयंत्र है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, उसके अलावा आपको जो है और भी जैसे ओमान है, यमन है, ऐसे करके कतर है, ऐसा करके अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का है। तो ये यूएई का जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अब किसने बनाया उसको छोड़िए, बस ये पता होना चाहिए कि यूएई का है। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। उसके बाद में ये कितने मेगावाट का है ये भी छोड़िए, ये कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, आबिद अली खान अंतर्देशीय संगठन। अब देखिए ये क्या संगठन है, तो देखिए ये जो संगठन है ये एक पाकिस्तानी संगठन है। इस संगठन के ऊपर जो है अमेरिका ने मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है आरोप लगा करके इसको जो है बंद करने के प्रतिबंध इसके ऊपर जो है वो लगाया है। इस संगठन पे आरोप है कि ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मानवों की तस्करी करके उन्हें अमेरिका में भेजने का कार्य करता है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम इसके बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, अब एमसीक्यू का मतलब ये होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको चार में से एक को टिक करना है। अब इसमें भी देखिए यूपीएससी का पैटर्न क्या है कि वो जो है चार आपको स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट का मतलब कि उसके बारे में चीज़ें लिखेगा, दो दो लाइनें लिख के देगा आपको, मतलब अधिकतर यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आरपीएससी में ये लेवल थोड़ा सा कम है, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम्स है जो आरपीएससी के, क्योंकि अपन आरपीएससी में ही ज़्यादा फोकस है, तो आरपीएससी के अदर एग्ज़ाम्स के बारे में बता सकती हूँ कि वो लोग भी क्या करते हैं कि चार जो है आपको स्टेटमेंट की बजाय जो आपको मेन स्टेटमेंट कहाँ देंगे, जहाँ पर मान लीजिए कोई राजस्थान की कोई योजना हो या केंद्र सरकार की कोई योजना हो तो वहाँ स्टेटमेंट देते हैं, बाकी जो है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो आप जब भी जैसे कि साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो उसके अंदर चीज़ों को एकदम दिमाग में क्लियर रखें। अगर आपको पता होगा कि वाइपर मिशन किससे संबंधित है तो आप टिक कर देंगे, नहीं पता होगा तो आपको भले कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, आपको पता हो अपोलो मिशन क्या था, आर्यभट्ट मिशन क्या था, लेकिन आपको ये नहीं पता तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए साइंस एंड टेक जो है काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें जो है फिक्स रहती है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जो है वैसा है का वैसा ही उसको याद करना है आपको, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर जो है मार्क्स ज़्यादा फेच होते हैं इस वाले पोर्शन में। अब देखिए नासा ने जो है वाइपर मिशन की घोषणा की है। वाइपर का फुल फॉर्म क्या है, वाइपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है। अब ये सबसे पहली चीज़ नासा का है, नासा कहाँ की एजेंसी है तो अमेरिका की एजेंसी है, भारत की कौन सी है तो भारत की इसरो है, जापान की कौन सी है तो जाक्सा है, ठीक है, सर्न कहाँ की है ये आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। तो ये जो एजेंसी है वो नासा की जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने एक जो है रोवर लॉन्च किया जिसका नाम है वाइपर, ठीक है। अब ये कार्य क्या करेगा, तो ये मून के ऊपर यानी चंद्रमा के ऊपर पानी की खोज करेगा, सिंपल, बस मून के ऊपर पानी की खोज के लिए जो है ये कार्य करेगा, ये इसका कार्य है, ठीक है। इसके अलावा देखिए चांद के ऊपर जो है अपोलो मिशन भी इसने भेजा था यूएसए ने, भारत ने इसके ऊपर जो है चंद्रयान मिशन भेजा है जिसके आपने देखा था वो विक्रम और वो जो उसका रोवर था, ठीक है, तो चंद्रयान मिशन भारत का है तो ये ध्यान में रखना है हमको। नेक्स्ट हम देखते हैं चीन ने मंगल ग्रह पर, कहाँ पर, मंगल ग्रह यानी मार्स के ऊपर, ठीक है, रोवर लैंड कराने वाला विश्व का जो है दूसरा देश बन गया। तो पहला देश कौन सा था, पहला देश था ऑफकोर्स अमेरिका, अमेरिका ने पहला मार्स के ऊपर जो है अपना उसका था मॉम है ना मार्स, और नहीं सॉरी ये तो हमारा था मार्स, उसका था मेविन, यूएसए का था मेविन।
MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये भारत का पहला मार्स मिशन था और ये जो है भारत ने पहली बार में जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सफलता अर्जित कर ली थी कि जो है मार्स के ऊपर जो है मिशन भेजने में पहली बार उन्होंने जो है सफलता हासिल की थी पहली बार में ही, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। और चाइना के द्वारा जो पहला भेजा गया है वो है आपका तियानवेन फर्स्ट, ठीक है, और ये जो है मंगल ग्रह की सतह पर जो है रोवर लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, पहला था आपका अमेरिका। ये जो इसने कहा है जूरोंग जो है इसका जो ये आपका मिशन है तियानवेन फर्स्ट, इसके साथ में प्रक्षेपित हुआ है एक रोवर, रोवर का नाम है जूरोंग, ठीक है, और ये जो है मंगल की धरती पर जो है जो रोवर होता है वही जो है सारी चीज़ों की फाइंडिंग करता है, सैटेलाइट से जो है फोटोज़ वगैरह जो है वो भेजता है। अब देखिए इसमें जूरोंग जो है चीन के जो अग्नि देवता उसको कहा जाता है, और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले इस रोवर का भार जो है, अब ये छोड़ दीजिए, अगर ये भारत का होता जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मार्स ऑर्बिटर मिशन के ऊपर, और उसके अंदर वो चार स्टेटमेंट दिया था, तब अपने को भार भी पता होना चाहिए और सब चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए, लेकिन अभी जो है इसके बारे में आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है अपना जो अमेरिकी एजेंसी थी नासा, उसके द्वारा जो मिशन भेजा गया था उसका नाम था परसिवरेंस रोवर, ठीक है, जो रोवर था उसका नाम था परसिवरेंस रोवर। और हाल ही में आपको अगर याद हो तो हमने अभी जो मैगजीन पढ़ी थी उसमें आया था होप प्रोब के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये मंगल मिशन है किसका, संयुक्त अरब अमीरात का, यूएई का मंगल मिशन किसका है, यूएई का है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको रट लेने हैं, होप प्रोब किसका है, परसिवरेंस रोवर किसका है, तियानवेन फर्स्ट किसका है, मॉम किसका था, मेविन किसका था, ये पते होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में नासा का ओसायरिस रेक्स अभियान। तो देखिए ये जो ओसायरिस रेक्स अभियान है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओसायरिस रेक्स अभियान जो है वो किससे संबंधित है, तो ओसायरिस रेक्स अभियान जो है ये एक एस्टेरॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है जो कि इसका नाम है बेन्नू, ठीक है, इसके लिए जो है इसको इस मिशन को जो है वो भेजा गया था। तो अब देखिए ये जो ओसायरिस रेक्स है ये वापस पृथ्वी के लिए जो है रवानगी कर रहा है, इसलिए ये अभी चर्चा के अंदर है, तो पुराना है मतलब इसके बारे में। अब देखिए जो एस्टेरॉयड बेन्नू है ये जो है 4.5 बिलियन साल पुराना गगनचुंबी आकार का एक एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन किलोमीटर जो है वो दूर है। ओसायरिस रेक्स ओरिसिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेंशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर, ये इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, ठीक है, हालांकि पूछी नहीं जाती फुल फॉर्म, फिर भी एक बार थोड़ा नॉलेज के लिए हमने पढ़ लिया इसको। ये अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्रग्रह की यात्रा हेतु वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और 2021 में जो है ये ओसायरिस रेक्स जो है वो वापस आ रहा है। ओसायरिस रेक्स बेन्नू के नज़दीक पहुंचा था और अक्टूबर 2020 को इस अंतरिक्ष यान ने वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक टच एंड गो सैंपल नमूना संग्रह जो है वो किया है, ठीक है, तो ये एक सफल अभियान रहा है। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनके नाम आप कृपया करके याद रखें क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे वाइपर अभियान किसका है, तो ये नासा का है, किसके लिए है, मून के ऊपर भेजा गया है, चाइना का मार्स के ऊपर जो मिशन भेजा गया उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, और उसके अलावा जो है आपका नासा ने एस्टेरॉयड बेन्नू के ऊपर जो अपना मिशन भेजा था उसका नाम था ओसायरिस रेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के लिए पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु नासा और एक्सिकॉम में समझौता हुआ है। अब देखिए ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और यहाँ पर पहली बार निजी रूप से यानी कि प्राइवेट जो व्यक्ति हैं उनको जो है अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा, तो चार लोगों को इसके लिए तैयार किया गया है, उनको जो है स्पेस के अंदर भेजा जाएगा। तो ये एक अमेरिका की जो एजेंसी है नासा प्लस जो वहाँ की एक क्या कहें उसको जो कमर्शियल एजेंसी है जिसका नाम है एग्जॉम स्पेस, उसके बीच में जो है इसके लिए जो है समझौता हुआ है और ये दोनों मिलकर के ये कार्य करेंगे, और इस मिशन का नाम है AX-1, ठीक है, AX-1 मिशन इसका नाम है। अगर पूछ ले AX-1 क्या है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है निजी जो अंतरिक्ष यात्री है उनको भेजने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है AX-1, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट मिशन है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ। चाइना ने जो है समुद्र की निगरानी के लिए यानी ओशन के ऊपर निगरानी रखने के लिए अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उपग्रह लॉन्च किया है, उस उपग्रह का नाम है हेयांग 2D, ठीक है। ये उपग्रह क्या करेगा कि चाहे कैसा भी मौसम हो 24 आवर्स जो है वो आपको महासागर की निगरानी करके जो है उसकी सारी जो चेतावनी वगैरह है जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताएगा, ये इसका कार्य है। अब देखिए इसमें और चीज़ें पढ़ लेते हैं। HYD हर मौसम में 24 घंटे
त्वरित समुद्र निगरानी करने वाली प्रणाली के निर्माण के लिए HY-2B और HY-2C उपग्रहों के साथ एक युग्म बनाया गया है जिसका फुल नेम है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, हयांग 2D। यही नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हयांग 2D क्या है, तो ये चाइना का है और ये क्या करेगा, समुद्र के ऊपर जो है निगरानी करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पेसएक्स ने भेजा एक वर्ष में तीसरी बार मानव युक्त अंतरिक्ष यान। तो ये जो स्पेसएक्स कंपनी, आपको पता ही है, एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की ये जो कंपनी है, और इसने जो है, जो टेस्ला के भी मालिक हैं, तो ये जो है इन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार प्रयुक्त हो चुके रॉकेट और यान को नए सिरे से बनाकर अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा है। इन चार अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उसी ड्रैगन यान से प्रक्षेपित किया जिसका उपयोग स्पेसएक्स ने पहले मानवयुक्त यान के तौर पर मई में किया था। तो एलन मस्क की तेजी से बढ़ती इस कंपनी ने एक वर्ष के भीतर तीसरी बार जो है मानवयुक्त अभियान जो है वो अंतरिक्ष में भेजा है। ये तीसरी बार जो है इन्होंने जो है मानवयुक्त अभियान जो है, यानी इंसानों को जो है इन्होंने स्पेस में भेजा है। अब इनके नाम याद रखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नासा के इंजेन्यूटी ने मंगल ग्रह पर उड़ान भरकर जो है वो इतिहास रचा है। तो नासा का एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्यूटी, उसने भी मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। ये पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर पहली बार किसी हेलीकॉप्टर की उड़ान थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि अभी इंजेन्यूटी नाम का जो हेलीकॉप्टर है वो चर्चा में है, तो ये किसका है और किस कारण से चर्चा में है, तो आप लिख सकते हैं। तो हालांकि ये जो इसका कार्य था ये काफ़ी कम समय के लिए था, यानी कि 39 सेकंड के लिए ही था, और लगभग 10 फीट की ऊंचाई की जो उड़ान है वो करके वापस वो लैंड हो गया। लेकिन इससे ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी, इससे इन्होंने जो है जिसका उद्देश्य था यह जानना कि हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह पर वहाँ के वायुमंडल में रोटर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उड़ान भर सकता है या नहीं। तो अपने को तो नाम याद रखना है, इंजेन्यूटी क्या है। तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर इसको भेजा गया था और वहाँ पर इसने ये एक हेलीकॉप्टर इसकी जो है इसने वहाँ पर उड़ान भरी थी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इसके अंदर एक बहुत ही रोचक बात भी है। ये बॉब बलराम नाम का जो व्यक्ति है ये इंडिया के हैं और इन्होंने जो है नासा का जो हेलीकॉप्टर है इंजेन्यूटी इसको जो है डिज़ाइन करने वाले चीफ इंजीनियर थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए मिशन से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर दे रखे हैं कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में बने एक अस्थायी हेलीपैड से उड़ान भरी थी, यानी हेलीपैड का नाम भी दे दिया है जेजेरो क्रेटर। इस मिशन को नासा के कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से कंट्रोल किया गया था, और उसके अलावा इसने जो जो चीज़ें करी है वो हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर दिमाग में जो है ज़्यादा लोड होता है, इसको नहीं पढ़ना है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंजेन्यूटी क्या है ये पता होना चाहिए, और बॉब बलराम का नाम अगर आप ध्यान में रख सकें तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भारत के साइंटिस्ट रहे हैं। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, रशिया और अमेरिका ने 3 अंतरिक्ष यात्री ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है उनको पहुंचाया है। तो ये इन्होंने कार्य क्यों किया है कि आप जानते हैं कि हमारे जो पहले स्पेस में जाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था यूरी गैगरिन, और ये कहाँ के थे, ये रशिया के थे, ठीक है। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम अपने को पता होगा, उसको बोलते हैं रोसकॉसमोस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं एस्ट्रोनॉट तो वहाँ बोलते हैं कॉस्मोनॉट, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है उनका जो ट्रांसलेशन है, प्रोनंसिएशन है। फिर देखते हैं प्रक्षेपण विशेष इसीलिए है क्योंकि ये जो है यूरी गैगरिन जो है उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा के जो है 60 वर्ष जो है वो यहाँ पर पूरे हुए हैं, उसकी वर्षगांठ बनाने के लिए जो है ये कार्य किया गया है, ठीक है। और इसमें हाँ इन्हीं के नाम पर जो है इस स्पेस जो यान है, जिस यान से वो गए थे जिसका नाम है सोयूज MS-18, इसका नाम चेंज करके जो है UA गैगरिन रखा गया है। ये गैगरिन है, गागरिन है, गागरिन है, ठीक है, गागरिन रखा गया है। फिर है अब देखिए नेक्स्ट जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस ने जो मिशन गगनयान है उसके सहयोग उसको बनाने के लिए उसके सहयोग के लिए जो है समझौता किया है। तो ये जो गगनयान मिशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गगनयान। तो गगनयान मिशन जो है हमारे भारत की स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ थी, 75th हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया था कि 2022 तक हम अंतरिक्ष के अंदर जो है अपने यात्री भेजेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष के अंदर जो है हमारे यात्रियों को जो है भेजने का प्लान जो है वो गगनयान मिशन के तहत किया गया था। तो गगनयान जो है उसको इसरो डेवलप कर रहा है, और इसरो के अलावा भी इसमें जो हमारी हेल्प करेगा वो है फ्रांस की एजेंसी का नाम है CNES, सेंट्रल नेशनल डी इट्यूट्स स्पेसिल्स, ठीक है। ये नाम फ्रेंच नेम है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी ये इसका नाम है, ठीक है। तो उसके बारे में बस यही इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है,
और सहयोग क्या करेगा वो तो देखिए, वही कई चीज़ें पहुँचाने में सहयोग करेगा, ट्रेनिंग में सहयोग करेगा, ये सारी बातें हैं, तो वो इतना ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं रक्षा और प्रौद्योगिकी पे, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा पहला आर्टिकल है अपतटीय गश्ती पोत सजग कमीशन किया गया है। कमीशन यानी कि इसको जो है कमीशन में लिया गया है, इसका नाम है OPV सजग। ये सजग क्या है, तो ये जो है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, ठीक है, यानी कि गश्त करेगा ये। और ये जो है जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं ICG, जो कि शांति काल में समुद्रों की रक्षा करते हैं यानी निगरानी करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो है इसको कमीशन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सजग क्या है, OPV सजग क्या है, तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं इसमें कि ये ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इसके बारे में है कि ICG के बारे में कई सारी बातें हैं कि इसका जो है 1978 में जो है स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में जो है इसको सम्मिलित किया गया था, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो DRDO है, यानी कि हमारे यहाँ का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसने जो है एक नया एरो इंजन के लिए जो है क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फ्रोजिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको जारी किया है। ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, तो देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है हमको एरो इंजन, जो एरो इंजन्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमको आत्मनिर्भरता जो है वो दिलाने में सहायक होगी, ठीक है। तो इतना इसमें इसके बारे में ध्यान रखना है, ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, बस इतना ध्यान रहे तो काफ़ी है। DRDO के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, जैसे अभी मान लो DRDO के द्वारा जो है कोरोना के लिए जो है किट बनाया गया है, ठीक है, दवाई बनाई गई है, तो उस दवाई के बारे में हम पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। वो मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसके ऊपर एक आर्टिकल भी दिया था, तो वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि DRDO के बारे में हमारे सिलेबस में स्पेशली लिख रखा है। RS का मेंस का सिलेबस देखेंगे आप साइंस एंड टेक का, तो वहाँ पर आपको DRDO के बारे में पढ़ना है, DRDO ने क्या क्या कार्य कर रखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनको हम जो है नोट डाउन कर लेंगे, और जब सिलेबस पढ़ेंगे तो हम वैसे भी उसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, ये भी DRDO के ऊपर है। DRDO ने जो है एकल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया है। ये क्या, हेलीकॉप्टर की जो ब्लेड्स होती है ना उसको डेवलप किया गया है। ये टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड के बहुत ही कम देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया, इन्हीं देशों के पास में है, और फिर जो है भारत ने अभी इसको डेवलप किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो जब चरम स्थितियों में जो मतलब जाते हैं, बहुत ऊँची जो है उड़ान रखते हैं, तब जो है इनके जो है इनका जो एरो इंजन है उनको शक्तिशाली एरो इंजन की जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए जो है ये जो ब्लेड्स हैं सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो है ये वहाँ पर काम में आती है, ठीक है। तो ये मिशन जो है इनको उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर के दौरान भी जो है हेलीकॉप्टर्स की जो ब्लेड्स हैं उनको जो हाई टेम्परेचर उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि हेलीकॉप्टर्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, उनको और एफिशिएंट बनाता है, ये इसका कार्य है, ठीक है। तो ये भी जो है DRDO ने विकसित किया है। DRDO की एक शाखा है जिसका नाम है डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसने इसको जो है वो डेवलप किया है। तो हालांकि ये भी जो है हो सकता है पूछ लिया जाए, बाकी इतना कोई खास मुझे लग नहीं रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है नासा उतारेगा चंद्रमा पर पहला अश्वेत व्यक्ति। तो ये जो नासा का एक मिशन है जिसका नाम है आर्टिमिस मिशन करके जो है, आर्टिमिस, ठीक है, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखा है कि नासा ने अपने आर्टिमिस नामक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में एक हिस्से के तौर पर चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का जो है वो निर्णय लिया है। उस अश्वेत व्यक्ति का नाम है, वो भारत के ही हैं, भारतीय अमेरिकी राजा चारी, जो आर्टिमिस अंतरिक्ष यात्रियों के प्रारंभिक समूह का एक हिस्सा है। और वर्ष 2024 में आर्टिमिस 3 के लिए पहले 2 चालक दल के सदस्यों की घोषणा की जानी अभी शेष, यानी कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को। और ये जो है ये अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, ये मून का जो दक्षिणी पार्ट है, वहाँ पर जो है खोज करेंगे जो पहले कभी मानव द्वारा जो है वो नहीं देखा गया है, ठीक है। मून का जो साउथ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो है इसकी खोज की जाएगी, यहाँ पर इनको उतारा जाएगा। फिर है DRDO ने विकसित की आधुनिकतम चेफ प्रौद्योगिकी। तो देखिए ये जो चेफ टेक्नोलॉजी है ये हमारे DRDO की जो एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है DLJ यानी कि डिफेंस लेबोरेटरी ऑफ जोधपुर, इसके द्वारा जो है स्वदेशी रूप से जो है इसको विकसित किया गया है। और ये जो है इसमें तीन प्रकार के जो ये टेक्नोलॉजी है उसमें तीन प्रकार की मारक क्षमता है। एक तो है शॉर्ट रेंज चेफ रॉकेट, एक है आपका मीडियम रेंज चेफ रॉकेट, और एक है आपका लॉन्ग रेंज चेफ रॉकेट। ये करेगा क्या, तो देखिए जो भी जंगी जहाज होते हैं उसके ऊपर इसको क्या है कमीशन कर दिया जाएगा। फिर जो ये क्या करेगा कि ये जो दुश्मन की जो मिसाइल होगी उसको, जैसे इसको लॉन्च करेंगे, अब इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तो दुश्मन की मिसाइल को ये हवा में ही जो है
जो है हवा में ही उससे टकरा कर जो है वो मिसाइल जो है दुश्मन की वो फट जाएगी, जिससे युद्धपोत जो है वो मिसाइल से बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कार्य है, तो इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना है, चैफ टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर है हंस न्यू जनरेशन, तो ये क्या है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है, उन्होंने अपनी जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उसमें 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान जो होता है उसको लॉन्च किया, जिसका नाम है हंस न्यू जनरेशन। स्वदेश में ही विकसित ये विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, ट्रेनर विमान, स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले और कई सारे इसके अंदर जो है, जैसे बबल कैनोपी डिज़ाइन के साथ जो है IFR कॉम्प्लीमेंट इवोनिक्स से ये जो है लैस है। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें लिखा है कि उन्नत स्वदेशी ट्रेनर विमान, ये एक तरीके से ट्रेनर विमान है, ठीक है, और इसको जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लैस है और सरकार ने इसको 2018 में मंजूरी दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं DRDO के ऊपर एक और न्यूज़ है। DRDO ने जो है अभी जो प्राइवेट यानी कि निजी संस्थान होते हैं उनको भी मिसाइल डेवलप करने के लिए आमंत्रित किया है, उनको भी परमिशन दी है कि आप भी मिसाइल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसके तहत जैसे कि DRDO ने टाटा और बाबा कल्याणी सहित जो निजी क्षेत्र के उद्यम हैं उनको जो है ये सारी टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद भी की है और इससे आगे की संभावनाएं खुलेगी। जैसे कि US वगैरह में आप देखते हैं, जैसे एलोन मस्क वगैरह की जो कंपनीज़ हैं ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ है, प्राइवेट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर भारत में भी कार्य होगा तो ये जो है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आगे जा सकती है। तो ये जो प्रोग्राम है यानी कि निजी क्षेत्रों को मिसाइल सिस्टम विकसित करने के लिए और फिर उनका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली, ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। इस प्रोग्राम के तहत जो है ये इनको मदद की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल वो लास्ट है इसका, जिसमें लिखा है INS राजपूत जो कार्यक्रम है उसको INS राजपूत जो है उसको कार्यमुक्त किया गया है। तो ये INS राजपूत क्या है, तो नौसेना गोदी में जो है इसको जो है ये डीकमीशन किया गया है। तो ये नौसैनिक एक वो है पोत है जिसको कि अभी डीकमीशन कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है मतलब। और ये पहला जो है इस यहाँ पर लिखा है जैसे कि ये INS राजपूत भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर पोत था, ठीक है। और बस इतनी ही जानकारी इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये काम का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, DRDO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमको पता होनी चाहिए। जैसे DRDO जो है वो 1958 में बना था, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। इसके अध्यक्ष अभी हैं जी सतीश रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए DRDO के बारे में। तो ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। कल से हम प्रादेशिक परिदृश्य करेंगे जो कि जिसका सबको इंतज़ार रहता है, तो जो है एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम प्रादेशिक परिदृश्य करेंगे, फिर 2 वीडियोज़ और बनेंगे जिसके के अंदर हम जो और जो पुरस्कार वगैरह हैं खेल खिलाड़ी वगैरह हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आज का वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, उसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके लिए कि नासा का जो वाइपर मिशन है जो कि न्यूज़ में देखा गया है, इसका संबंध इनमें से किससे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।